सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अयोध्या रोड चौड़ीकरण के एक और शानदार व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग सब्जी मंडी रोड से निकले हैं और चलेंगे पूरा राम की पैड़ी तक। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये यहीं पे एकदम चलते ही हम लोग को इतना जो बड़ा घर था, मंदिर था, कुछ भी कह सकते हैं, आगे से टूटा हुआ दिख रहा है। और ये हम लोग निकल चुके हैं भाई देवकाली के पास हम लोग हैं। और राइट साइड में देखिए भाई, ये बड़ी धर्मशाला टाइप में थी, पूरा आगे से टूट चुकी है, अब सिर्फ पीछे की दीवारें इसमें दिख रही हैं। आगे देखिए जहाँ तक मलबा गिरा है, पहले यहाँ तक था बट अब यहाँ तक पूरा तोड़ दिया गया है। लेफ्ट साइड में भी देखिए जो स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, ये सब बाहर लगी हुई हैं। और राइट साइड में देखिए जहाँ बाइक खड़ी, देखिए कितनी स्पेस खाली कराई गई है, कितनी स्पेस खाली कराई गई है आप लोग को दिख सकता है। और इधर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खासी मात्रा में रोड चौड़ी हुई है। और अब यहाँ पे बढ़िया फोर लेन रोड बन जाएगी। लेफ्ट साइड में हमारे देवकाली रोड भी है। ओ भाई, यहाँ तो पूरा टूट चुका है, जहाँ गाड़ियाँ पार्क हैं आप लोग देखे, दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए जहाँ गाड़ियाँ पार्क है कि देखिए, यहाँ पहले पूरा घर हुआ करता था, पूरी रोड ही तोड़ के एकदम खत्म कर दिया गया है, पूरा खत्म हो गया भाई वहाँ तो, एकदम पूरा एकदम सपाट कर दिए हैं। राइट हैंड में कितनी ज़्यादा स्पेस है। और देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ फैज़ाबाद में देवकाली, सॉरी फैज़ाबाद में रिकाबगंज से लेकर के और सादरगंज तक आप लोग को बहुत कम ही काम मिला था, ठीक है। मैंने कहा था कि उस साइड में आप लोग को अयोध्या में मेन काम ज़्यादा दिखेगा, तो मैंने देखिए दिखाया भी आप लोग को, इस साइड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है वर्क, यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हुआ है। इतना चाहिए से टूटा तेज से बना भी, आप लोग देख सकते हैं कई जगह जो तोड़फोड़ होने के बाद में वापस मतलब बन बन भी गया। देखिए बगल में दुकान बनी हुई थी, तो यही सब सीन है। बाकी अभी राइट में हमारे SBI बैंक है, लेफ्ट में हमारे कौन सा बैंक है भाई, कैनरा बैंक है, हाँ कैनरा बैंक है। ये दोनों बैंक अभी यहीं चल रहे हैं, बैंक शिफ्ट नहीं हुआ, अभी काम यहीं चल रहा है बैंक में। बैंक वैसे काफ़ी अंदर है, शिफ्ट होंगे भी नहीं मेरे ख्याल से, खाली आगे से पार्किंग जा रही है बस, तो पार्किंग को जुगाड़ करेंगे। और राइट साइड में देखिए पूरा एकदम खाली दिख रहा है भाई, एकदम खाली दिख रहा है। पहले दुकानें कितनी आगे तक थी, कितनी अंदर तक हो चुकी हैं, कितनी अंदर तक हो गई भाई। तो अब रोड तो बढ़िया है, एक नंबर की चौड़ी एकदम बनेगी ही, जाम आम से छुट्टी मिल जाएगी एकदम। बगल में हमारे तुलसी उद्यान है, उद्यान की भी बाउंड्री थोड़ी बहुत आगे से भले जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जाएगी जाएगी, मेन गेट आगे से जाएगा तभी रोड चौड़ी हो पाएगी, नहीं तो रोड इसके ऊपर छोड़े जा पाएगी भाई, है कि नहीं, है ना। तो ये सीन है भाई, इधर देखिए जितनी दुकानें इस समय सब लोग आगे मतलब स्टॉल लगा के लगाए हैं, कई लोग की दुकानें भाई चली गई हैं, ये बात तो है, तो दुख है उस चीज़ का। बट पुरानी अयोध्या खो रहे, नई अयोध्या आ रही है, ये तो विकास के पहले का विनाश है। जैसा कि आज ये व्लॉग अयोध्या चौड़ीकरण का लास्ट व्लॉग है, मैंने आप लोग को पहले कई पार्ट्स दिए हैं अयोध्या रोड चौड़ीकरण के व्लॉग पूरा, आप लोग को मैंने अयोध्या सादरगंज से लेके और राम की पैड़ी तक घुमाया है, तो सभी व्लॉग्स आप लोग जाके देख लीजिएगा सभी वीडियोस। अभी देखिए हम लोग मेन राम की पैड़ी पहुँचने वाले, और यहाँ कितनी चौड़ी रोड है आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, और किस तरीके से तोड़फोड़ मची हुई है, पूरा एकदम तबाही वाला सीन है। लेकिन यहाँ पे इससे भयंकर अयोध्या बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, इस बात की भी गारंटी है। यहाँ तो देखिए यहाँ, अरे भाई यहाँ तो पूरा एकदम तोड़ फोड़ के पानी भर गया, इतना भयंकर टूटा, कहीं देखा भाई, नहीं देखा होगा इतना भयंकर टूटा हुआ। तो यही सीन है भाइयों, बस पहुँचने वाले हम लोग राम की पैड़ी। और आज के ब्लॉग में इतना ही था, अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया, हमारी पूरी सीरीज पसंद आई, ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए भाइयों टेक केयर।